हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है थोड़ा मेरे चैनल पे जिसका नाम है री ब्लॉग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल आज मेरा वो नहीं था, मूड नहीं था वीडियो बनाने का, बट स्टिल आई एम शूटिंग जस्ट फॉर यू गाइस, क्योंकि मैंने सोचा एक दो दिन का गैप पड़ जाता है, देन आप लोग बोलते हो वीडियो नहीं आई, वीडियो नहीं आई। एंड सेकेंडली, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि अभी नीट का एग्जाम हाल ही में हुआ है। सो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रशिया जाने के लिए जो है अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कि हमें लगेज पैकिंग के लिए जो है क्या क्या आइटम्स रखनी चाहिए, क्या क्या आइटम्स हैं जो हमें बिल्कुल ही जो है नहीं लेके जानी चाहिए। सो वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, ठीक है। सबसे पहले मैं वो बातें शेयर करूँगी आपके साथ कि जो चीज़ें जो हैं आपको रशिया लेके जानी चाहिए वो बैकपैक में आपको जो है डालनी है, अपने मेन लगेज में जो है चीज़ें आपको लेके जानी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है ना, वो आते हैं क्लोथ्स। ऑल राइट, कपड़े। कपड़ों में क्या सबसे इंपॉर्टेंट आता है? विंटर क्लोथ्स, यू नो, टी शर्ट्स वगैरह, जैसे ये मैंने अभी पहनी हुई है, इन सब चीज़ों की आपको ज़्यादा ज़रूरत सिर्फ हॉस्टल में पड़ेगी। सो ज़्यादा मत लेके जाना। व्हाई आई एम सेइंग दिस, ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर, बट ये टी शर्ट्स आपको सेम प्राइस में वहाँ पे भी मिल जाएंगी, जितने में इंडिया में मिलती हैं उतने में ही वहाँ पे मिल जाएंगी। जो चीज़ें महंगी मिलती हैं वो हैं जैकेट्स, जीन्स, ये सारी चीज़ें थोड़ी कॉस्टली मिलती हैं। सो दो जैकेट ज़रूर लेके जाना, जीन्स ज़रूर लेके जाना, तीन चार पेयर जीन्स के जो तीन चार सेट हैं इनफ हैं। उसके बाद जो है मफलर लेके जाना है आपको, कैप लेके जानी है, ग्लव्स, वॉर्म सॉक्स। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये डेफिनेटली लेके जानी है। इनमें से कुछ भी जो है स्किप मत करना विंटर क्लोथ में से। टी शर्ट्स वगैरह, लोअर्स, ये सब आपको सेम प्राइस में वहाँ पे मिल जाएंगे, भरपूर मिल जाएंगे, जितने मर्जी ले लेना। बट जैकेट्स वगैरह ये थोड़ी कॉस्टली मिलती हैं। सो ये आई वुड प्रेफर कि आप लोग इंडिया से ही लेके जाओ, सो इट्स बेटर। उसके बाद अब दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ, दैट इज़ बेडशीट। बेडशीट कई हॉस्टल में समटाइम्स मिल जाती है, बट कई बार ये क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने खुद देखा था कि उनको जो है ना अच्छा नहीं लगता वो बेडशीट्स जो है वो यूज़ करना, बिकॉज यू नो कभी कभी वो क्लीन नहीं होती या कुछ भी ऐसा हो जाता है। सो अपनी एक या दो बेडशीट साथ में ले जाना, मैं लेके गई थी, दैट इज़ व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू ऑल्सो कि आप लोग लेके जाना। सो फॉर दैट मैं आपको ना कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ कि मैंने हाल ही में अभी जो है कुछ बेडशीट्स ऑर्डर करी थी, आप लोग वो फिलहाल देखो कि अगर आपको उसमें से कुछ भी अच्छा लगा आप ऑर्डर कर सकते हो। सो चेकआउट दैट, फिर मैं आपको नेक्स्ट आइटम के बारे में बताती हूँ। ऑलराइट गाइस, जो फर्स्ट बेडशीट है वो आप लोग देख ही सकते हो, साथ साथ मैं फुल स्क्रीन में आपको इसकी कंप्लीट लुक भी दिखा रही हूँ, मैंने अपने बेड के ऊपर बिछाई है। सो बहुत ही क्यूट सा एनिमल प्रिंट बना हुआ है इसके ऊपर, जिराफ बने हुए हैं, एंड विनय कंपनी की है, विनय ब्रांड की है ये। बहुत बहुत अच्छा फैब्रिक है, बहुत ही सॉलिड फैब्रिक है। आगे आगे विंटर आने वाले हैं, विंटर में भी जो है ये फैब्रिक बिल्कुल ही सही रहने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा फैब्रिक जो है ना थिक है, विंटर के रिलेटेड है, जैसे आगे आगे जैसा मौसम चेंज हो रहा है ना। एंड मुझे बहुत ही कलर्स इसके वाइब्रेंट लगे हैं, येलो कलर इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, येलो व्हाइट का जो कॉम्बो है बहुत बहुत वाइब्रेंट लग रहा है। एंड ये बेडशीट की अगर मैं प्राइस की बात करूँ, इट्स ओनली फॉर 699 रुपीज। गो एंड ग्रैब दिस डील, द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो बेडशीट है ये एक्चुअली सिंगल बेड की शीट है, और आप लोग देख ही सकते हो इसका कलर इतना ज़्यादा, मतलब जैसे आपके घर में अगर बच्चे हैं, आप बच्चों के बेडरूम के लिए जो है डिसाइड कर रहे हो कि आपको बेडशीट्स बाय करनी है, दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इतने अच्छे अच्छे प्रिंट्स हैं ना, मैं आगे आगे आपको और भी दिखाऊंगी, क्योंकि इस बार ही मैंने सारे के सारे जो है ना चिल्ड्रन प्रिंट, नर्सरी प्रिंट्स जिनको बोलते हैं, वो ऑर्डर किए थे। एंड इसके ऊपर इतने क्यूट से डायनासोर्स बने हैं, सो अगर आपके घर में बच्चा है जिसको डायनासोर्स पसंद है उसके लिए ये परफेक्ट शीट है। बहुत ही अच्छा मटेरियल है, कॉटन की बेडशीट है, एंड साथ में इसके क्यूट सा पिलो कवर भी अवेलेबल है। एंड अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो इट्स जस्ट फॉर 379 रुपीज़। हाँ जी, सो नेक्स्ट बेडशीट है वो आप लोग ऑलरेडी देख ही सकते हो, व्हाइट कलर में है ये, इसकी कंप्लीट लुक भी आप साथ साथ में चेकआउट करो। एंड गाइस, कॉटन की बेडशीट है ये, दो पिलो कवर्स इसके साथ अवेलेबल है, एसके ट्रेडर्स ब्रांड है इसका, एंड बहुत बहुत प्यारी लग रही है। अगर आप लोग व्हाइट बेडशीट आपको पसंद है ना, सो यू कैन गो फॉर दिस बेडशीट। अगर मैं आपको इसका प्राइस बताऊंगी ना, आई एम श्योर आप लोग डेफिनेटली इसको बाय कर लोगे, इट्स जस्ट फॉर 299 रुपीज़। इतनी प्यारी बेडशीट, फेदर्स इसके ऊपर बने हुए हैं, एंड जस्ट फॉर 299, नॉट अ बैड डील। मेरा लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। जो नेक्स्ट बेडशीट है इसके बारे में तो क्या ही बोलूँ, इट्स जस्ट वाओ, आप लोग देख ही सकते हो वीडियो में, इतनी प्यारी है, स्टारी सी। अगर आपको स्टार्स बहुत ज़्यादा पसंद है ना, सो डेफिनेटली गो फॉर दिस बेडशीट। एंड इतने कम प्राइस में दिस बेडशीट इज ऑल्सो जस्ट फॉर 299 रुपीज़। कॉटन की बेडशीट है, एसके ट्रेडर्स ब्रांड की ही है, दो पिलो कवर्स भी इसके साथ इंक्लूडेड हैं, एंड फुल साइज कंप्लीट साइज बेडशीट है, बहुत ही प्यारा फैब्रिक है। एंड इसके प्रिंटिंग की तो मैं क्या ही बात करूँ, आप लोग सामने ही देख ही सकते हो, इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, आई लव्ड इट, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है ये बेडशीट। डू यू लाइक डिज्नी कैरेक्टर्स? इफ़ यू हैव अ किड एट योर होम,
प्लीज़ बाय दिस बेडशीट, और इफ़ यू आर अ किड योर सेल्फ देन डू बाय दिस बेडशीट, बिकॉज ये बेडशीट बहुत बहुत ही क्यूट है, बच्चों के रूम के लिए सबसे बेस्ट है, एंड प्राइस भी इसका बहुत ही बेस्ट है क्योंकि इसके ऊपर चल रही है डील ऑफ द डे। इसका ओरिजिनल प्राइस जो है वो 299 रुपीज है, बट डील ऑफ द डे में ये आपको मिल रही है जस्ट फॉर 249 रुपीज। 249 में क्या आता है आजकल के टाइम में, 249 में ये बेडशीट, तो आई थिंक वी कैन जस्ट बाय फॉर आवर चिल्ड्रन। ऑलराइट, सो ये जो बेडशीट है आप लोग देख ही सकते हो, इसको बिछाने के बाद पूरा रूम जो है ना एकदम खिड़ सा गया, बिकॉज इसका कलर जो है बहुत ही प्यारा है, इसके ऊपर लेवेंडर कलर के जो है फ्लावर्स बने हुए हैं, एंड दो पिलो कवर्स इसके साथ भी इंक्लूडेड हैं। सो व्हाइट कलर की बेडशीट्स अगर आप लोग को पसंद है, डू गो फॉर दिस बेडशीट। इसके ऊपर भी डील ऑफ द डे चल रही है, इसका ओरिजिनल प्राइस 299 रुपीज था, बट डील ऑफ द डे में आपको मिल रहा है 249 रुपीज में। सो दिस इज ऑल्सो जस्ट फॉर 249, आई डोंट थिंक सो 249 में आजकल के टाइम पे जो है बेडशीट आपको मिल सकती है। सो मेरा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो बाय इट एंड या बी हैप्पी। सो गाइज, आप इनसे जो है ना कोई भी चीज़ें ऑर्डर कर रहे हो आपको कम प्राइस के ऊपर मिलेंगी। इनके पास जो है किचन के रिलेटेड, होम के रिलेटेड, क्लोथ्स के रिलेटेड काफ़ी सारी आइटम्स हैं। आप मेरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर सकते हो। साथ के साथ आप इनसे व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हो। व्हाट्सएप से ऑर्डर करने पर आपको जो है ईजी रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी मिलती है, साथ के साथ COD की फैसिलिटी भी है, एंड कोई भी आपकी क्वेरी है व्हाट्सएप से ऑर्डर करने पर जो है वो बहुत ही जल्दी सॉल्व करी जाती है। उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, डू चेक इट आउट। एंड नाउ लेट्स देखते हैं कि नेक्स्ट आइटम जो है आपको कौन सी जो है बैग में पैक करनी है। सो ये बेडशीट्स मेरा दिखाने का मोटिव सिर्फ यही था कि अगर आपको इनमें से इनकेस कुछ भी इंटरेस्टिंग लगता है, और साथ के साथ ये सारी की सारी बहुत ही रीजनेबल प्राइस की थी, 250-300। सो इनमें से आप साथ में लेके जा सकती हो। ये है कि वहाँ पे जाके अगर कोई इधर उधर भी हो जाती है आपको कोई दुख नहीं होगा, कि बेडशीट्स अदरवाइज काफ़ी कॉस्टली आती हैं। सो बेटर है आप ये इनएक्सपेंसिव वंस ले जाओ, सो दैट कभी आपको ज़रूरत पड़े आप यूज़ कर पाओ, ठीक है। एंड कभी कभी हमें कैंपिंग वगैरह पे भी स्टूडेंट्स चले जाते हैं, सो वहाँ पे भी आपकी बेडशीट्स जो है काफ़ी काम आएगी। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको नेक्स्ट कैटेगरी है, दैट इज़ फुटवेयर। सो फुटवेयर में जो है आपको मैं तीन चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले आपको स्नो बूट्स लेके जाने हैं, वो डेफिनेटली लेके जाने हैं, क्योंकि वो भी जो है थोड़े कॉस्टली मिलेंगे आपको वहाँ पे। सो इट्स बेटर आप लोग यहाँ से ले जाओ, वो आपकी इच्छा है फर्स्ट ईयर में साथ में ले जाओ यहीं से, देन अगर आपको वहाँ पे कुछ अच्छा लगता है ऑप्शन, धीरे धीरे जब आपको वहाँ पे शॉप्स का पता चल जाएगा वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। सो स्नो बूट्स। सब दूसरे नंबर पर आपको स्लीपर लेके जाने हैं जो आपके हॉस्टल में काम आएंगे। तीसरे नंबर पर आपको एक ऐसे शूज़ लेके जाने हैं, या सैंडल ले लो या शूज़ ले लो, जो आपको यूनिवर्सिटी में वेयर करने हैं। बूट्स पहन के आप बाहर चले जाते हो, वो बूट्स के साथ आपको यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं मिलती है, क्योंकि बाहर जो है स्नो वगैरह पड़ी होती है, सो वो बूट्स आपके गंदे हो जाते हैं। सो वो बूट्स के साथ आप अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस में एंट्री नहीं ले सकते हो। वो बूट्स आपको वहाँ पे उतार के अपने जो भी शूज़ आप साथ में लेके गए हो बैग में, वो आपको वेयर करके ही एंट्री मिलती है। सो दैट इज़ वाई एक एक्स्ट्रा पेयर आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको जो लेके जाना है वो लेके जाना है 2 पिन पॉइंट वाला जो प्लग पॉइंट होता है। मैं आपको पिक्चर जो है यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है ना प्लग पॉइंट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, जो कि आपके लैपटॉप के प्लग उसमें नहीं लगेंगे, फिर अगेन आपको परचेज करना पड़ेगा। सो ये चीज़ ज़रूर ले जाना। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपके डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे ओरिजिनल लेके जाना, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सबमिट होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। आप लोगों को ऑलरेडी आपने किसी एजेंट के थ्रू अगर अप्लाई किया होगा, उन्होंने आपको बता ही दिया होगा। पासपोर्ट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इनकेस इफ़ यू वांट टू टेक आप साथ में रख सकते हो। आधार कार्ड की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैन कार्ड की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेन आपके जो स्टडी वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेके जाना। फोटोज़ आप ज़रूर लेके जाना अपनी पासपोर्ट साइज़ की, क्योंकि कभी आपको कुछ अप्लाई करना होता है तो कभी कभार ज़रूरत पड़ सकती है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की। सो कितनी सारी जो है डेवलप करवा के साथ में ले जाना। डॉक्यूमेंट्स के बाद बारी आती है मेडिसिन की। जितनी भी जनरल मेडिसिन हैं वो सारी की सारी ले जाना, जैसे कि PCM वगैरह हो गया, या पेन किलर हो गया, वॉमिटिंग की हो गई, ठीक है, पेट खराब, ये सारी चीज़ें जो हैं जितनी भी जेनरिक मेडिसिन हैं वो आपके पास होनी चाहिए। एंटासिड हो गया, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वहाँ की जो मेडिसिन हैं वो बच्चों को सूट नहीं करती हैं। सो दैट इज़ वाई इट्स बेटर आप इंडिया से जो है अपनी जेनरिक मेडिसिन जो है वो सारी साथ लेके जाना, ठीक है। उसके बाद बारी आती है स्पाइसेस की। अगर आपके यूनिवर्सिटी कैंप हॉस्टल में जो मेस है, देन ठीक है, आपको स्पाइसेस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपके हॉस्टल में मेस नहीं है तो आपको स्पाइसेस की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज यू हैव टू कुक योर ओन फूड। तो उसके लिए आपको इंडियन स्पाइसेस वहाँ से मुश्किल से ही मिलेंगे। अगर आप किसी ऐसी सिटी में हो जहाँ पे इंडियन शॉप है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको मिल जाएँ स्पाइसेस, बट फिर वो भी थोड़े से कॉस्टली मिलते हैं।
क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने थोड़ा प्राइस जो है इंक्रीज करके सेल करने होते हैं वो. सो इट्स बेटर आप इंडिया से जो है हर स्पाइस की 2 से 3 डिब्बियाँ जो हैं वो ले जाओ. जैसे गरम मसाला ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसकी 2-3 ले जाओ. जो जो भी मेन मेन स्पाइसेज हैं जो आप अपने घर पर यूज़ करते हो, जो आपको लगता है आपको चाहिए वो आप ले जाओ, ठीक है. उसके बाद मैं यूटेंसिल्स की बात करूँगी. यूटेंसिल्स में कुछ खास लेके जाने की ज़रूरत नहीं है. यूटेंसिल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे, सेम प्राइस में मिल जाएंगे, काफ़ी वैरायटी में मिल जाएंगे. सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप बहुत सारे बर्तन वहाँ पर लेके जाओ. हाँ, अगर आपको प्रेशर कुकर की ज़रूरत पड़ती है, आपको प्रेशर कुकर यूज़ करना है, देन वो आप लेके आ सकते हो, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं मिलता. बाकी सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है. चाहे अगर आपको फ्राई पैन चाहिए वो भी मिल जाएगा. हाँ, एक चीज़ है, आप अपनी पर्सनल एक प्लेट, एक बाउल, एक स्पून ज़रूर ले आना, क्योंकि आते ही आप परचेज शॉपिंग करने नहीं जाओगे. सो ये इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, प्लेट, बाउल और स्पून ले आना, ठीक है. उसके बाद एक थर्मामीटर जो है वो भी रख लेना अपने पास, बिकॉज ज़रूरत पड़ सकती है. सो इट्स बेटर आपके पास होना चाहिए. सो ठीक है. सो ये तो चीज़ें होगी जो आपको लेके आनी है वहाँ पे, ठीक है. बाकी आप अपने पर्सनल नीड के हिसाब से देख सकते हो, जो भी आपको पर्सनल चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको पता है, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होती है. सो वो आपको खुद अपनी लिस्ट वो बनानी है. अब जो चीज़ें जो है वो आपको बिल्कुल नहीं लेके आनी वहाँ पे, जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे ही फालतू में, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी मुझे भी ये सब चीज़ें बोल दी गई थी कि आप ले जाओ, जैसे कि नमक, शुगर और मैंने क्या लिखा था, चाय हो गई, ठीक है. ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बिल्कुल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है. नमक भी मिल जाएगा, शुगर भी मिल जाएगी, चाय भी मिल जाएगी, कॉफ़ी भी मिल जाएगी, लेके मत जाना. कॉफ़ी, चाय आराम से मिलती है. चाय आई थिंक ब्रूकबॉन्ड की मिल जाती है मुझे जहाँ तक लग रहा है, या रेड लेबल मिलती है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है. एंड कॉफ़ी आपको ब्रू, नेस्कैफे सब मिल जाएगी, ठीक है. उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आपको चीज़ नहीं लेके आनी है, दैट इज़ फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी मीन्स टू से के कोई भी डॉलर, यूरो, ये सब कुछ नहीं लेके आना है. रूबल भी मत लेके आना. अगर इट्स बेटर कि आप अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करो, उनका ग्लोबल कार्ड इशू करो एंड अपने पैसे जो है अकाउंट में लेके आना. देन वहाँ पे एटीएम से कहीं से भी विड्रॉ करवा सकते हो. एयरपोर्ट्स पे भी आपको बहुत सारे एटीएम्स मिल जाएंगे. एयरपोर्ट से नहीं विड्रॉ करवाना. जब जहाँ पे आप अपनी सिटी में जब आ जाओगे वहाँ पे भी आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे एटीएम ही एटीएम है, जहाँ से मर्जी विड्रॉ करवा सकते हो. क्योंकि इंडिया से अगर आप एक्सचेंज करवाओगे आपको रेट्स जो है ना वो सही नहीं मिलेंगे. एंड डॉलर और यूरो में तो लेके आने का कोई मतलब ही नहीं है. मेरे को डॉलर में पैसे देके भेज दिए थे एंड नाउ आई फील के क्यों इतनी, मतलब क्यों मैं लेके आई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था उसमें जब मैंने एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करवा लिए थे. सो कोई यूज़ नहीं है. अपने पैसे जो है अकाउंट में लेके आना एंड कार्ड लेके आना साथ में, वहीं पे आके विड्रॉ करवा के यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज कार्ड से आप हर जगह पे पेमेंट कर सकते हो, कहीं पे भी आपको कार्ड, हाँ वो है थोड़ी बहुत ही उससे जो है ना एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन चार्जेस कटते रहते हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बारी में विड्रॉ करवा के रख लो एंड देन आप यूज़ करते रहो. उसके बाद जो चीज़ें नहीं लेके आनी, शैम्पू, बॉडी वॉश, ऑयल, कुकिंग ऑयल, ये सब चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी. कुकिंग ऑयल की इंडिया से ज़्यादा वैरायटी है वहाँ पे. आपको कौन सा कुकिंग ऑयल चाहिए सब अवेलेबल है. सनफ्लावर सीड ऑयल चाहिए, सेसमे ऑयल चाहिए, वॉलनट ऑयल चाहिए, आमंड ऑयल चाहिए, कौन सा ऑयल, कोकोनट ऑयल चाहिए, सभी के सभी आपको मिल जाएंगे एंड अच्छी क्वालिटी में मिलेंगे, ठीक है. सो ये सब चीज़ें भी जो है बिल्कुल भी मत लेके आना, ओके. सो बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. एंड आई थिंक मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दिया कि क्या लेके आना चाहिए, क्या नहीं लेके आना चाहिए. बाकी अगर आप अपना कोई भी मेकअप वगैरह का सामान लेके आ रहे हो, या फिर ये सारी जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, उसके बाद आपका कोई भी अगर आप पावर बैंक वगैरह लेके आ रहे हो, ये सब अपने मेन लगेज में रखना. हैंड बैग में या कैबिन बैग में बिल्कुल भी मत रखना, बिकॉज उसमें अलाउड नहीं है. या दैट्स इट. सो बाकी आप वेट की मैं बात कर रही हूँ, हर एयर फ्लाइट का जो है वेट वगैरह जो है डिफरेंट होता है हर फ्लाइट्स का. सो वो आप अपनी जो भी आपकी टिकट्स बुक हुई हैं आप उनसे कंफर्म कर सकती हो कि आपको कितना अलाउड है. यूजुअली 23 kgs के दो बैग अलाउड होते हैं, 23 kg और 23 kg हो गया, 46 हो गया टोटल. सो बाकी आप अपनी जो भी आपने फ्लाइट्स बुक करी हैं उनसे कंफर्म करके जो है ये सारा अरेंजमेंट अपना उस हिसाब से कर सकते हो. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बाकी कोई भी आपको क्वेश्चन है मुझे कमेंट करो, आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चन. एंड मिलती हूँ अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन यू गाइस टेक केयर, बी सेफ, डोंट फॉरगेट आवर फंडा, अ लिटिल मोर काइंडनेस, अ लिटिल लेस जजमेंट.